देखो बेटा, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, व्हाई दे आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स किस लिए बोलते हैं? हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। दे आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स बिकॉज 3D, 4D फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड 5D थर्ड एंड 6D फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। तो इसके अंदर ये जो दीज सब सेल्स आर, दीज सब सेल्स आर इनकम्प्लीटली फिल्ड, ये सब सेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं बेटा, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट? दीज सब सेल्स आर इनकम्प्लीटली फिल्ड, दैट इज वाई दे आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसलिए हम इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, राइट? यस सर। अब देखो बेटा, इनके रेस्पेक्टिव जैसे ग्रुप जो 12 में होंगे, ग्रुप 12 में, ग्रुप मतलब इनमें जैसे हमने बोला कि डी सबसेल को सबसे लास्ट वाले को अल्टीमेट बोलते हैं और पहले वाले को क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट। तो इसमें ग्रुप 12 को हम डी ब्लॉक तो बोलेंगे बट नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दे आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसलिए इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स? बिकॉज डी सबसेल इज कंप्लीटली फिल्ड, इनका जो डी सबसेल होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, राइट? ठीक है बेटा। अब उसमें देखो जैसे 3D है, 3D वाले को बोलेंगे हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, 4D वाले को सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, 5D वाले को थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और 6D वाले को क्या बोलेंगे हम? फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, ये अलग अलग ट्रांजिशन सीरीज है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, अब देखो अपने पास फर्स्ट 3D में देखो बेटा, चार ट्रांजिशन सीरीज हैं टोटल, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं? 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एक और 12, नहीं दो ज़्यादा हो गए ना इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
टेन होता है बेटा, इसके अंदर 10 एलिमेंट होंगे ना टोटल। डी के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? टेन, राइट। देखो अब सबसे पहले अपने पास यहाँ पे क्या आता है, स्कैंडियम। साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फेंकोनी, क्यों जलाती, यही है बेटा टोटल 10। उसके बाद यारी, यारी जरा निभा, मोतक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद, राइट। लाफ्ता वरना रे उधर इधर, पिटाई और होगी। लाफ्ता वरना रे उधर इधर, पिटाई और होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एसी, एक्टिनियम। अब देखो बेटा एसी के बाद इसमें एक्टिनियम, यहाँ पे इसका स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 21। 21 में 18 ऐड करो, 21 में 18 ऐड करोगे तो 57, नहीं सॉरी 39। 39 में 18 ऐड करो, 57, 57 में 32, 89, 88 88, हाँ 88, 88 क्यों, 89 होगा, 89 57 प्लस ही 32, होगा। 89। अब देखो इसका ये तो आगे 21 से आगे चला लो इनको, और जिरकोनियम 39 के बाद क्या आ गया, जैसे ये 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये 39 हो गया। ये 39 के बाद देखो ये 40 होना चाहिए, उसी सीक्वेंस में चलते जाओ। बाकी इनके मैजिक नंबर्स याद रखो, देखो इनके मैजिक नंबर्स, ये जो ग्रुप है थर्ड ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप के मैजिक नंबर्स अपने पास कितने होंगे? 18, 18, 18, 32, और उसके बाद इन सब के होंगे 18, 32, 32। देखो 22, 22 के बाद 18 ऐड करेंगे तो 22 में 40, 40 में 32 ऐड करेंगे तो 40 प्लस 32 72, और 72 के अंदर फिर 32 ऐड करेंगे तो 104, यहाँ पे 104 आएगा ये, ठीक है बेटा। अब आगे करते जाओ, इसमें 72, 73, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, राइट, ठीक है बेटा। बोलो ध्यान रह जाएंगे नहीं ऐसे। अब देखो एक्टिनियम, एक्टिनियम के बाद क्या आता है 104 पे, शायद रदरफोर्डियम आता है ना। देखो एसी के बाद क्या आता है, रदरफोर्डियम, आरएफ। आरएफ का कितना होगा? देखो एसी आरएफ, एसी आरएफ के बाद, मतलब ये ऐसे सीक्वेंस में याद रखना है बेटा, या आप कोई ट्रिक इसमें याद रखो तो रख सकते हो उससे भी। एसी आरएफ, एसी आरएफ के बाद डीबी एसजीबीएच। डीबी क्या होता है? ड्यूबेनियम।
डीबी एस जी बी एच ए सी आर एच डीबी एस जी बी एच एच एस हैजियम मेट्रीनियम डर्मास्टेडियम डीएस रोंटेगम एंड क्यूपेरनिकम. रोंटेगन इज आर जी एंड क्यूपेरनिकम सी एन. ये बेटा इनके अलग अलग एलिमेंट्स. ये डी ब्लॉक ये कौन सी सीरीज है? दिस इज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज. एंड दिस वन इज सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एंड दिस इज फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज. ये टोटल चार ट्रांजिशन सीरीजेस होंगी बेटा इसमें. ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ. तो ये जो चार डिफरेंट जो ट्रांजिशन सीरीज होंगी, तो इन ट्रांजिशन सीरीज के इन एलिमेंट्स के अंदर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे मेन है इस चैप्टर में. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिना इसमें राइट नहीं कर पाएंगे अपन. तो देखो डी ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, जनरल कॉन्फ़िगरेशन फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स. देखो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगी एन एस. बताओ बेटा एन एस में कितना होता है? ये एन माइनस वन डी में तो हो गया 1 to 10, राइट? 0 to 2 एन एस में. एन एस 0 भी होता है, 1 2 में 0 to 0 to 2, ये होगी डी ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन. तो ये सबसे लास्ट वाले सेल को बोलते हैं अपन अल्टीमेट, और ये पेनल्टीमेट, मतलब इसमें पेनल्टीमेट सेल भी इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है. ये अल्टीमेट है और ये पेनल्टीमेट. ठीक है, ठीक है बेटा. यस यस सर. अब देखो इसमें जो एटॉमिक नंबर्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को हम 3D भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें 3D में भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स. इसमें 4D, दिस इज 5D एंड दिस इज 60 एलिमेंट्स. जो 3D सीरीज है ये फोर्थ पीरियड से बिलोंग करती है. फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड एंड सेवेंथ पीरियड, राइट? फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवेंथ. ठीक है बेटा. यस सर. अब उसके बाद देखो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस. देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बोलो इसमें स्कैंडियम. स्कैंडियम की सबसे पहले अपने पास क्या होती है? देखो इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल कॉन्फ़िगरेशंस का ही है बेटा इस पूरे चैप्टर में. स्कैंडियम ये हो गए बेटा टोटल एलिमेंट्स. स्कैंडियम, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 और 30. अब देखो इसमें दो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस है जो आपको ध्यान रखनी है. एक तो क्रोमियम की और एक किसकी है? कॉपर. कॉपर, क्रोमियम एंड कॉपर. तो देखो स्कैंडियम की आउटर मोस्ट क्या होगी, कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी 3D1 4S2. थ्री डी टू फोर एस टू
3D3 4S2 3D5 4S2 3D4 3D5 इसकी शाबाश एक्सेप्शनल हाफ फील्ड हो जाता है ना इसके अंदर 3D4 4S1 यस सर 3D5 4S2 3D6 4S2 3D7 4S2 3D8 4S2 3D9 3D10 4S1 शाबाश इसमें 3D10 हो जाएगा क्योंकि ये फुल्ली फिल्ड हो जाएगा 3D10 4S1 3D10 4S2 राइट यही होंगी कॉन्फ़िगरेशन इनकी यस सर। उसके बाद ये तो होगी अपने पास 3D ट्रांजिशन सीरीज। उसके बाद 4D 4D ट्रांजिशन सीरीज के लिए देखें अपन तो यूट्रियम यारी जरा निभा मोतक रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा आग में कूद 3 4 5 6 7 8 9 नहीं 3 4 5 6 10 हो गए पूरे। देखो बेटा अब कैडमियम में सबसे नीचे देखो बस एक पीरियड का नंबर बढ़ाना है तो 3D की जगह पे कितना आ जाएगा 4D 10 5S2 राइट यस सर। अब इसमें उसके बाद 4D के बाद आ जाओ 5D सीरीज पे 5D सीरीज के बाद 6D। देखो 5D सीरीज में ला ला आफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। अब देखो HG सबसे लास्ट में मरकरी मरकरी का एटॉमिक नंबर कितना यहाँ पे जिरकोनियम यूट्रियम का हो गया अपने पास 39 40 41 42 43 44 45 46 47 और ये 48 राइट। उसके बाद लेंथ नम 57 57 के बाद ऑफ नियम का 72 आ गया था ना बेटा लेंथ नाइट आ गए थे तो 72 73 74 75 76 77 78 79 80। उसके बाद 5D में एक्टिनियम एक्टिनियम का कितना था बेटा 89 उसके बाद देखो रदर RF एक्टिनियम के बाद रदरफोर्डियम 89 104 राइट रदरफोर्डियम के बाद DBSG DB ड्यूबेनियम 105 SG सीबोर्जियम BH बोरियम DBSG BH 106 107। उसके बाद हैसियम मेट्रियम डर्मास्टेडियम हैसियम मेट्रिनियम MT और डर्मास्टेडियम DS रोंटेगन एंड क्यूपेरनिकम RG एंड CN 107 ये 104 5 6 7 108 109 110 111 112 राइट। अब देखो इनकी कॉन्फ़िगरेशंस बेटा कहाँ कहाँ पे इनमें एक्सेप्शंस हैं। देखो ये 39
और 40, 39 और 40 में जैसे ऊपर है इनके ऊपर सेम उसके एग्जैक्ट जैसे के जैसे आएगी बेटा। देखो 39 में एक सीरीज पीरियड बढ़ा है इसमें, तो देखो कितना आ गया, 3D की जगह पे क्या आ जाएगा 4D1 5S 2, राइट? फोर डी टू फाइव एस टू। अब देखो बेटा इसमें सबसे पहले नीचे सारे फुल कर दो, देखो ये नीचे 4D के बाद इसमें एक पीरियड बढ़ा दो 5D 10 और ये हो गया 6S 2, राइट? यहाँ पे क्या हो जाएगा 6D 10 7S 2। देखो D तो फुल है, सब में एक जैसा हो गया ये तो। बोलो बेटा। उसके बाद फर्स्ट लेंथनम, लेंथनम में देखो 4D 5S 2, 4D के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा इसमें लेंथनम में 5D 1 और 6S 2। उसके बाद एक्टिनियम में क्या आ जाएगा 6D 1 7S 2, राइट? यस सर। बोलो बेटा इसमें कोई डाउट हो तो किसी को। नो सर। समझ गए क्या? यस सर। अब देखो इसमें जैसे 40 तक तो ठीक है, 40 के बाद सीरीज चेंज हो रही है ना। बोलो। यस। तो इसमें क्या करना है, देखो सबसे लास्ट का हम लिख चुके, अब इसमें बीच में जितने भी एलिमेंट बचे उसमें देखो मैं याद रखने का तरीका बता रहा हूँ एक तुम्हारे को, तो इनमें लास्ट वालों में पहले एक सेकंड ये लास्ट वाले और कर लेते हैं। देखो सिल्वर, सिल्वर में बताओ क्या आएगा, उसके जैसे इसमें 3D 10 आ रहा था तो इसमें क्या हो जाएगा 4D 10 5S 1, 4D 10 5S 1, और इसमें क्या हो जाएगा गोल्ड में 5D 10 6S 1, 5D 10 6S 1, और ये जो रोंटेगन है 111 में, रोंटेगन में क्या आ जाएगा 6D 10 7S 1, राइट? अब देखो इसके बाद 41 से लेके और सारे टोटल जितने भी आ रहे हैं पैलेडियम को छोड़ के सब में एस में वन कर दो। पैलेडियम में छोड़ के सब में क्या करना है, एस में वन, नहीं समझे? यस सर। देखो पैलेडियम में छोड़ के एस में वन, तो यहां पे हो गया अपने पास, देखो जब इसमें अगर हम एस में वन कर रहे हैं 5S 1, तो इसमें 4D 3 आता तो 4D 4 आ जाएगा बेटा 41 से। उसके बाद 4D 5 5S 1, अब देखो ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है ना TC की, देखो इसमें एस में वन नहीं करेंगे क्यों, इसमें TC के अंदर बताओ भाई 4D 5 और इसमें 5S में वन नहीं करेंगे 5S 2, क्योंकि ये एस में फुल भरने के बाद हाफ फिल्ड हो रहा है ना ये। यस सर। फिर उसके बाद 4D 6 नहीं 5S में वन करना है तो 4D में फिर 7 हो जाएगा। यस सर। उसके बाद 4D 8 और फिर इसके बाद 6 5S 1। अब PD में याद रखना है, देखो पूरे D ब्लॉक में हमने जनरल कॉन्फ़िगरेशन में S में 0 एक ही बार किया है ना, वो S में 0 किया है ना एक बार, S में 0 से 2 किया इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इसी पैलेडियम के अंदर ही 0 आते हैं बस और किसी में नहीं आते। पैलेडियम में S में क्या आता है 0 और D में क्या आता है 10, बाकी सारे P ब्लॉक एलिमेंट में S में 1 या 2 रहेंगे। समझ गए? यस सर। अब देखो उसके बाद ऑफनियम, ऑफनियम के ये लेंथनम, लेंथनम के बाद ऑफनियम, ऑफनियम में बताओ कैसे बताओगे, देखो इसमें एफ में भी फुल भर जाएंगे ना बेटा, एफ में 14 भरे गए, 58 से लेके 71 तक 4 है, 4 ऑर्बिटल्स फुल भरे गए, तो इसमें जनरल चलने दो तुम्हारा 5D 2 6S 2 5D 3 6S 2, सब में वही कर दो तुम, तो फिर बाद में अभी मैं बताता हूँ तुम्हारे को एक्सेप्शन, फिर 5D 4 6S 2 5D 5
सिक्स एस टू, 5d5, 6s2, 5d6, सॉरी 5d7, 6s2, 5d8, 6s2, राइट? यस सर। अब देखो इसमें सब में एस में वन करना है, बस केवल जो प्लेटिनम है तुम्हारा, प्लेटिनम के अंदर तो यहां पे क्या आ जाएगा, पीटी के अंदर 5d, 5d में तो होता है 9, जब यहाँ पे 9 करेंगे तो S में कितना आ जाएगा इसमें, 1, नहीं समझे? Yes, sir. तो ऐसे आएगी बेटा इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो नीचे इसमें तो 4f फुल भरे गए थे ऑफनियम से लेके, और इसमें रदरफोर्डियम से 5f फुल भरे जाएंगे। Yes, sir. तो सेम उसकी 5d2 की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, 6d2, 7s2, उसके बाद 6d के बाद नेक्स्ट में बोलो 6d3, 7s2, 6d4, 7s2, राइट? यस सर। 6d5, 7s2, 6d6, 7s2, 6d7, 7s2, 6d8, 7s2। देखो इसमें याद रखने का तरीका, ऐसे ध्यान रखोगे इसको, देखो कोबाल्ट में तो जो नॉर्मली आ रहा था वही आ रहा था, ये सॉरी निकल में देखो 3d8, 4s2, फिर इसमें 8 की जगह d में 10 किया तो s खाली हो गया, फिर d में 9 किया, देखो अगले में इसके आगे पीडी के नीचे पीटी आता है, तो पीटी आएगा तो उसमें डी में 9, एस में 1, फिर उसके बाद डी में 8, एस में 2, वापस वही नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन आ गई। तो देखो सबसे ऊपर भी सेम, सबसे नीचे भी सेम, बीच में पैलेडियम में तो 10 है और प्लेटिनम में कितने, 9 है यहाँ पे, 9, ठीक है बेटा। तो ये क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें इतनी इंपॉर्टेंट है, सारी जो भी प्रॉपर्टीज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे वो सारी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के भी आप पे आएंगी, टोटल याद हो जाएंगी, याद रखनी है बेटा ये सारी, ठीक है ना। और इसमें जो टेक्नीशियम है, टेक्नीशियम मैन मेड सिंथेटिक एलिमेंट है, TC इज अ टेक्नीशियम इज अ सिंथेटिक एलिमेंट, ठीक है बेटा। बोलो अब देखो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं ना, क्योंकि उनके अंदर जो आउटर मोस्ट सेल जो होता है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, और इसमें पेनल्टीमेट सेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, इनमें डी ब्लॉक को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स नहीं बोलते हम, एस एंड पी दे आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। बिकॉज इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज इनकम बिकॉज दे आर आउटर मोस्ट सेल इज इनकम्प्लीटली फिल्ड, आउटरमोस्ट सेल और वी कैन से दैट अल्टीमेट सेल, इनका आउटरमोस्ट सेल और अल्टीमेट सेल, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पेनल्टीमेट इज इनकम्प्लीटली फिल्ड, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पेनल्टीमेट सेल इज इनकम्प्लीटली फिल्ड, ठीक है बेटा। यस सर। बोलो क्लियर है? यस सर। और इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट पे, ये डी
ब्लॉक है, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक में पेनल्टीमेट सेल इज इनकम्प्लीटली फिल्ड, तो ये उसकी। अब देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं फिर इनको, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब होता है चाहिए उनके ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, इन ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट डी सबसेल इज इनकम्प्लीटली फिल्ड। क्योंकि जैसे कॉपर को देखोगे तुम तो कॉपर में तो ये बोलोगे सर डी फुली फिल्ड है, कॉपर और पैलेडियम में तो फुली फिल्ड है ना बेटा डी, सिल्वर में तो उनको किस लिए बोलते हैं, क्योंकि उनके एक्साइटेड स्टेट में हो सकता है कि इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, तो किसी में भी इनकम्प्लीटली जो फिल्ड होगा जब उनको क्या बोलेंगे हम, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, उसके बाद देखो ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर ट्रेंड्स। तो सबसे पहले इनकी बेटा अपन टॉप टू बॉटम नहीं डिस्कस करेंगे, इनकी यूजुअली डिस्कस करेंगे हम लेफ्ट टू राइट, तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। बताओ एटॉमिक और आयनिक रेडियाई के अंदर, इनकी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई ये कह सकते हैं अपन एस ब्लॉक से तो ये छोटे होंगे और पी ब्लॉक से बड़े होंगे, एस और पी के बीच में आएंगी इनकी। अब देखो जनरली अपन सीक्वेंस में क्या पढ़ते हैं कि लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस, यही पढ़ते हैं। तो इसमें देखो ये अपने पास है एटॉमिक, यस सर, इनके अंदर यहाँ पे अपन इसमें ये एटॉमिक रेडियाई वर्सेस एटॉमिक नंबर। अब देखो पीरियड में अपन ये पढ़ते हैं बेटा लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस साइज। अब देखो yes, ये मान लो कि यहाँ पे सबसे टॉप में इस पोजीशन के ऊपर स्कैंडियम है तुम्हारे पास, तो स्कैंडियम से लेफ्ट टू राइट चलेंगे अपन, टाइटेनियम की कम होगी, ये आ गया टाइटेनियम, टाइटेनियम के बाद वेनेडियम क्रोमियम, साइंस साइंस टीचर विनीता विनीता कृपलानी, क्रोमियम, क्रोमियम के बाद ये मैग्नीज। अब देखो मैग्नीज आयरन कोबाल्ट इनकी लगभग सबकी सेम होगी आयनिक रेडियाई। उसके बाद मैग्नीज आयरन कोबाल्ट तक ऑलमोस्ट कांस्टेंट, और फिर ये कॉपर और जिंक की फिर ज़्यादा हो जाएगी इनसे थोड़ी सी, जैसे जेडन है जेडन की ज़्यादा होगी, तो बताओ जेडन की ज़्यादा क्यों होगी। देखो फिर सेम पैटर्न अपने को सेकंड सीरीज के अंदर ऑप्टेन होगा, सेकंड सीरीज में जैसे टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस तो यूट्रियम यहाँ कहीं आएगा, ये आ गया यूट्रियम, अब यूट्रियम से कम किसकी होगी, जिरकोनियम, यूँ आ गया इसमें यूट्रियम से कम जिरकोनियम, जिरकोनियम, जिरकोनियम के बाद नायोबियम, नायोबियम के बाद मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम की कम, फिर टेक्नीशियम की भी कम, और फिर रुथीनियम रोडियम और पैलेडियम, रुथीनियम रोडियम और पैलेडियम की सेम, और फिर वापस से यो इंक्रीजिंग फैशन में। देखो ये जो पीक है ये इनसे नीचे है, मतलब तो पहले वाले से छोटे हैं ये। अब उसके बाद देखो ये कौन सी सीरीज़ के लिए हो गया, ये तो अपने पास हो गया 3D सीरीज़ के लिए, ये हो गया
4D सीरीज के लिए। अब देखो 5D, यूट्रियम के बाद आता है अपने पास लेंथनम, तो ये लेंथनम यहाँ कहीं आ गया, ये अपने पास लेंथनम। अब देखो बेटा, लेंथनम से ऑफनियम तक ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। इसमें देखो पहले वाले में गैप ज़्यादा है ना, और इनमें तो हम लगभग ऐसे बना रहे हैं जैसे दोनों ग्राफ को। तो ये हो गया यहाँ पे जिंक, ये हो गया कैडमियम, और ये मरकरी। देखो ये रेड वाली जो सीरीज है ये अपन ने बनाई है 5D सीरीज, तो 5D सीरीज 3D के लगभग ये इसके कोइंसाइड कर रही है दोनों। यस सर। बताओ ऐसा क्यों हो रहा है? सर देखो लास्ट वाले की यहाँ सो पे बढ़ रही है कॉपर और जिंक, फिर कैडमियम से पहले बिल्कुल यारी जरा निभा मौत तक रुकाओ, ड्रा में पड़े तो आग में कूद जा AG, और फिर और होगी पिटाई यहाँ पे AU। तो देखो मतलब पहले डिक्रीज हो रही है, फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट, और फिर स्लाइटली इंक्रीज। और जो 3D और 4D सीरीज है इनकी जो साइज में डिफरेंस है वो बहुत कम है। ठीक तो देखो बेटा क्या होगा, जैसे स्कैंडियम, स्कैंडियम बड़ा है, फिर टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, राइट? बोलो क्रोमियम तक डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रही है साइज, ये कह देंगे हम ग्रुप पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जो जेड इफेक्टिव है, जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ रही है। नहीं समझे? यस सर फिर उसके बाद जैसे मैग्नीज, मैग्नीज इज अप्रोक्सीमेटली सेम टू मैग्नीज आयरन क्रोमियम, मन फेंक, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फेंक को। कोबाल्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू निकल, और फिर कॉपर, और फिर जिंक। ठीक है बेटा, ये सीक्वेंस आगे वाले मिलेगा। अब देखो यहां से यहां तक साइज डिक्रीज, तो यहां से यहां तक साइज क्यों डिक्रीज? बिकॉज इनके अंदर जो इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव इज ग्रेटर देन शील्डिंग इफेक्ट, और यहां यस पे सर लगभग सेम। तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं कि जेड इफेक्टिव इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द सर शील्डिंग इफेक्ट। और यहां से क्या होगा, यहां पे जेड इफेक्टिव शील्डिंग इज लेस देन शील्डिंग इफेक्ट। बोलो यहाँ शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है इसलिए साइज बढ़ गई। यस सेम मतलब यस नेक्स्ट सर सीरीज के अंदर देखने के लिए मिलेगा। ये तो अपने पास 3D के लिए हो गया, 3D सीरीज के लिए। अब 4D सीरीज के लिए भी सेम ऑर्डर आएगा कि यहाँ तक मैग्नीज, मैग्नीज के नीचे तक तो डिक्रीज होगी टेक्नीशियम तक, और फिर ऑलमोस्ट क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट। तो ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? क्योंकि पहले जेड इफेक्टिव में इंक्रीजमेंट जाता है, फिर देखो मिडिल के बाद इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग शुरू हो जाती है ना, तो पेयरिंग शुरू होने की वजह से जेड इफेक्टिव में इंक्रीमेंट कम हो जाता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो बढ़ना शुरू हो गया तो ऑलमोस्ट क्या हो गई, कॉन्स्टेंट। और फिर लास्ट में फुल्ली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, तो उनमें स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़्यादा। बोलो अब देखो ये था यूट्रियम अपने पास, टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस। जनरली ये होता है कि टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस। तो जो स्कैंडियम है, देखो स्कैंडियम बड़ा है, ये स्कैंडियम से बड़ा कौन है, यूट्रियम। लेकिन यूट्रियम की जो साइज है, यूट्रियम और लेंथनम की साइज में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। यूट्रियम की साइज होती है 180 पिकोमीटर, और जो लेंथनम की साइज होती है वो होती है 187 पिकोमीटर। ये डाटा तुम्हारे को याद नहीं रखना है। देखो तो ये इसमें ऐसा क्यों यस हुआ? अब देखो ये चलो इसमें तो फिर भी ठीक है, यूट्रियम से लेंथनम बड़ा है ना, बोलो बेटा। देखो यूट्रियम से लेंथनम बड़ा है, तो स्कैंडियम, स्कैंडियम के बाद आ गया अपने पास टाइटेनियम। तो टाइटेनियम से छोटा होगा कौन, टाइटेनियम से मतलब बड़ा होगा जिरकोनियम, और जिरकोनियम और ऑफनियम की साइज लगभग सेम होगी। इसलिए ये जो कर्व है मतलब 4D एंड भी 5D सीरीज रेडियाई फाइव डी सीरीज रेडियाई इज ऑलमोस्ट सिमिलर।
ठीक है बेटा। यस सर। 4D और 5D सीरीज की जो रेडियाई है वो ऑलमोस्ट क्या होगी, सिमिलर होगी, बताओ क्यों? लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, बिकॉज ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। शाबाश। देखो क्यों बेटा, जैसे 5D सीरीज है, 5D सीरीज के अंदर आएंगे अपने पास लैंथनम, लैंथनम के बाद आएगा ऑफनियम, तो जब लैंथनम से हम ऑफनियम में चलते हैं तो लैंथनम का एटॉमिक नंबर है 57 और ऑफनियम का एटॉमिक नंबर है 72, तो ये है तो सिक्स पीरियड के एलिमेंट्स, सिक्स पीरियड में आते हैं ना, सिक्स पीरियड में आते हैं। इसमें जब यहाँ से यहाँ तक हम मूव करते हैं तो 4F सबसेल फुल भरा जाए। यस सर। और 4F का जो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, 4F फुली फिल्ड, उनका शील्डिंग इफेक्ट होगा पुअर, तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से क्या हो जाएगा बोलो? बोलो बेटा। साइज, साइज डिफरेंट, शील्डिंग इफेक्ट पुअर होने की वजह से साइज उनकी कम हो जाएगी और फिर ये पूरी सीक्वेंस में चलेगा। तो इसलिए देखो हमने ये जो रेड और ग्रीन लाइन कोइंसाइड हो रही है, तो यहां पे ये कह सकते हैं रेड दिस रेड लाइन एंड ग्रीन लाइन, दे कोइंसाइड कोइंसाइड होंगे बिकॉज ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनकी ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। ठीक है बेटा, बोलो क्लियर है या नहीं बात? यस सर। ये इनकी एटॉमिक एटॉमिक रेडियाई के अंदर और सेम इसके अंदर आ जाएगा आयनिक रेडियाई। अब आयनिक रेडियाई में अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं तो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे तो अलग अलग होगी उनकी रेडियाई, वो डिपेंड करेगा कितना जेड इफेक्टिव उनके अंदर। बोलो इस रेडियाई के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो कोई। उसके बाद सेकेंड, आयनाइजेशन एंथैल्पी, बताओ बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या हो? बोलो। इंटरमीडिएट होगी सर ऐसा क्या? आयनाइजेशन एंथैल्पी, देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी एस एंड पी ब्लॉक के लिए तो हम बोल सकते हैं कि उनमें इंटरमीडिएट हो जाएगी, लेकिन इनके अंदर इनके ट्रेंड्स जो हैं कोई भी जनरल ट्रेंड्स फॉलो नहीं होंगे बेटा इनके आयनाइजेशन एंथैल्पी के, और एक जो इररेगुलर भी होंगे आयनाइजेशन एंथैल्पीज, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स के रिमूवल के बाद रीऑर्गेनाइजेशन होती है एनर्जी के अंदर इनमें। देखो क्या कह सकते हैं कि पहले जैसे दो इलेक्ट्रॉन तो इनमें एस में से निकलेंगे ना? यस सर। फर्स्ट टू इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी रिमूव्ड फ्रॉम एस सबसेल विच इज आउटर मोस्ट, आफ्टर रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एस सबसेल, एस सबसेल में से जब हम क्या करेंगे एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद एनर्जी ऑफ एन एस एंड एन माइनस वन डी सबसेल इज ऑल्टर्ड, उस उनमें एनर्जी में चेंजेस होगा
और जो ऑल्टर्ड एनर्जी होती है उसको बोलते हैं हम रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनर्जी। अल्टर होगी एस सब सेल से वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एस सब सेल, हेंस एनर्जी ऑफ एन एस, एनर्जी ऑफ एन एस और एन माइनस वन डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी बेटा? ऑल्टर्ड, ऑल्टर मतलब चेंज हो जाएगी वो, समझ गए? यस सर। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन एस में से बाहर निकला, तो एस में से बाहर निकलने के बाद क्या होगा कि जो एस और पी की दोनों की, एस और डी की सॉरी, एस और डी की एनर्जी में ऑल्टरेशंस होंगी, ऑल्टरेशंस होंगी तो उनकी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनर्जी। देखो पहले तो अलग अलग दोनों की एनर्जी लेवल अलग अलग होंगे या नहीं होंगे? बोलो। यस सर। सो वी कैन से ड्यू टू ड्यू टू ऑल्टरेशन इन एनर्जी, ऑल्टरेशन इन एनर्जी बिकॉज ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एन एस एन एन माइनस वन डी सबसेल। एन एस और एन माइनस वन डी सबसेल के अंदर क्या होगी? एनर्जी एक्सचेंज होगी, और एनर्जी एक्सचेंज होने की वजह से इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पीज वेरी करेंगी, फिर ऑल्टर हो जाएंगी ना। फिर जब एनर्जी लेवल बदलेंगे तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बदल जाएगी। हेंस देयर आयनाइजेशन एनर्जी चेंजेस। तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी अलग तरीके से चेंज होगी। वो क्यों चेंज होगी? बिकॉज ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन इन एनर्जीज। एनर्जीज का क्या होता है? रीऑर्गेनाइजेशन होता है। बोलो। यस। अब देखो उसके बाद जैसे इनमें अपन बात करना चाहें तो वो देखो कॉन्फ़िगरेशन याद होगी उसी के भी आप पे हम बताएंगे इसके अंदर। जैसे ये कहते हैं कि आई आई टू ऑफ कॉपर, आई टू ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन आई वन ऑफ कॉपर। देखो कॉपर वन में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद आई टू बहुत ज़्यादा होगी, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन क्यों होगी? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कॉपर में से रिमूव करने के बाद एन डी टेन बन जाएगा, एन माइनस वन डी टेन। यस सर। आफ्टर रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन इट अटेन्स थ्री डी टेन फुली फिल्ड, तो स्टेबल हो जाएगा ना वो मोर। बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया? Yes. समझ गए? अरे yes. बोलो। यस सर। अब देखो क्रोमियम, क्रोमियम और मैग्नीज में सेकंड आई की बात करें तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्रोमियम और मैग्नीज में किसकी ज्यादा होगी? क्रोमियम। शाबाश। सेकेंड आयनाइजेशन इन क्रोमियम की आई होगी, क्योंकि क्रोमियम में क्या हो जाएगी? एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद ये बन जाएगी 4s0 3d5 फुली फिल्ड है सर, फुली फिल्ड। और ये बन जाएगी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद 4s1 3d5। ये कब बनेगी? आफ्टर रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद, ठीक है बेटा? तो इसलिए क्रोमियम की ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि क्रोमियम की D5 हाफ फील्ड, एग्जैक्टली हाफ फील्ड में से निकालने पड़ेंगे। बोलो। यस सर। आप देखो ऐसे भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट आई ऑफ 5d, 5d इज ग्रेटर देन
3D और 4D, देखो टॉप टू बॉटम तो कम होनी चाहिए ना बेटा आयनाइजेशन एनर्जी, लेकिन 5D की ज्यादा क्यों हो गई? वो बिकॉज ऑफ लेंथराइड कॉन्ट्रेक्शन, लेंथराइड कॉन्ट्रेक्शन की वजह से साइज कम होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा। I1 ऑफ जिंक कैडमियम मर्करी उनकी रेस्पेक्टिव सीरीज में हाई होगी, बताओ क्यों? सर फुल्ली फिल्ड है ना, बिकॉज ऑफ फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। इसमें ऐसे लॉजिकली क्वेश्चंस आएंगे बेटा सारे, मतलब अब इसमें n नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। यस सर, बोलो। यस सर, मतलब कोई ऐसे रेगुलर ट्रेंड फॉलो नहीं होगा इनके अंदर। बाकी जो रेस्ट इनकी जो प्रॉपर्टीज है, रेस्ट प्रॉपर्टीज इनकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।